सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, हम अपने इंग्लिश क्लासेस के अंदर अब स्टार्टिंग करते हैं। आज हम बात करेंगे रेगिस्तान के बारे में। हिंदी में आपने रेगिस्तान वर्ड सुना हुआ होगा। रेगिस्तान का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर आपको ज़्यादातर रेत देखने को मिले। आई थिंक आप सबका तो यही सोचना होगा, लेकिन आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे कि रेगिस्तान दो तरीके के होते हैं। एक जिसके बारे में हम सब जानते हैं और एक वो जो ठंडा भी हो सकता है, इवन बहुत ठंडा भी हो सकता है। है ऐसा कोई रेगिस्तान? लद्दाख, नाम नहीं सुना? लद्दाख क्या बताए, लद्दाख बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेगिस्तान है जो कि बर्फ का बना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, बर्फ का बना हुआ है। तो आज हम सिर्फ लद्दाख की नहीं, लेकिन हम डेजर्ट की बात करेंगे कि डेजर्ट होते क्या हैं। यहाँ पर चाहे वो बहुत गर्म हो चाहे वो बहुत ठंडा हो, तो हम दोनों तरीके की चलो बात कर लेते हैं आज, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड पे जो लिखा है उसे भी पढ़ लिया जाए। अ डेजर्ट इज यूजुअली सेड टू बी अ ड्राई एंड हॉट प्लेस। कहा जाता है कि जो रेगिस्तान है वो सूखा और गर्म जगह में आता है। दैट इज वाई, इसीलिए ओनली द नोमैड्स एंड कैमल्स इन अ स्मॉल नंबर लिव देयर। इसीलिए शायद नोमैड्स मतलब बंजारे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह, आपने बहुत सारे आपने क्वांटिटी में देखे होंगे ना कि बहुत सारे गाय चलती रहती हैं, कभी रोड पे रास्ता जाम हो जाते हैं, कभी बकरियां आपने चलती हुई देखी होंगी, कभी बहुत सारे बैल भी देखे होंगे। और उन्हीं लोगों के आगे आगे जो चलते हुए देखे ना लाठी सी पकड़ के, राजस्थानी सा उनका गेटअप होता है, मींस ड्रेसअप होता है, वो लोग नोमैड्स कहे जाते हैं, मतलब हिंदी में बंजारे। सो इसीलिए क्योंकि ऐसे लोगों को ना रहने की आदत हो जाती है, उन्हें पता है कि किस तरीके से हमें किस जगह खाना अवेलेबल करवाना है। ऐसे ही लोग ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे रेगिस्तान में। नोमैड्स एंड कैमल्स, कैमल्स इसलिए क्योंकि वो तो भाई रेगिस्तान का राजा कहलाया जाता है, वो तो रेगिस्तान का जहाज कहलाया जाता है, तो इसीलिए कैमल्स क्योंकि पानी स्टोर करके रखना जानता है। इन अ स्मॉल नंबर लिव देयर, यहाँ पर रेगिस्तान में रहने वाले सिर्फ कैमल्स और नोमैड्स ही होते हैं जो थोड़े बहुत हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जैसा आप जानते हो कि जो रेगिस्तान है वो तो बस जहाँ तक देखो वहाँ तक रेत ही मिलेगी आपको, या जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको बर्फ ही मिलेगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अगर रेगिस्तान कह दिया तो कहीं पे पानी ही नहीं मिलेगा। रेगिस्तान का मतलब ये थोड़ी ना है कि पानी मिलना ही बंद हो जाएगा। कहीं कहीं पर हमें पानी देखने को मिलता है, और देयर आर ग्रीन पैचेस, मतलब कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ रेगिस्तान में आपको पानी देखने को मिलता है। ये हिस्से ओसिस कहलाए जाते हैं। ओसिस हिंदी में अगर बात करें तो जैसे सिनोनिम की बात करें, मतलब एक जैसे वर्ड्स की, तो ओसिस आइलैंड भी कहा जा सकता है। यहाँ पर जो ओसिस हैं वो रेगिस्तान के बीच में पाए जाते हैं, जब थोड़े बहुत पेड़ हरे भरे देखने को मिले, कोई पानी का झरना, कोई पानी का तालाब अगर आपको देखने के लिए मिलता है, तो दैट इज द प्लेस इज कॉल्ड एन ओसिस। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग मी प्रॉपरली। और बाकी जो चीज़ें, बाकी जो कन्फ्यूजन्स आपके डेजर्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो शायद आपको चैप्टर पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब अपने डेजर्ट चैप्टर पर आते हैं और देखते हैं कि आपको कितना कुछ नया जानने के लिए मिलता है। थैंक यू। अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक रेगिस्तान ज़्यादातर पानी और पेड़ पौधों के बिना माना जाता है। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे। अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज, पैच मतलब टुकड़ा, हिस्सा, वो हरे रंग का हिस्सा जहाँ पर ताज़ा पानी देखने को मिलता है और हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट, डेजर्ट मतलब खाली, हर जगह रेत रेत देखने को मिल रही है, और उस धूल भरे रेगिस्तान के बीच में आपको अगर कहीं पर तो हल्के फुल्के पेड़ पौधे देखने को मिल जाए और ताज़ा पानी भी मिल जाए देखने के लिए, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड, डेजर्ट ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म ही हो।
वो धूल का भी हो सकता है। अब धूल का है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हॉट भी हो सकता है। और डेजर्ट लद्दाख भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो भी एक डेजर्ट है। अब से अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स, रीजन्स मतलब जो नॉर्मल एरिया में रहते हैं, आप जहाँ पर अपने घरों में रहते हैं, कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स, आपके आसपास आपको पेड़ पौधे देखने के लिए भी मिलते होंगे, या फिर ऐसे लोग जो आसपास पेड़ों से घिरे हुए हैं और पहाड़ों से घिरे हुए हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वॉट आर डेजर्ट इज़ रियली लाइक, उन्हें थोड़ा मुश्किल लग सकता है समझने में कि रेगिस्तान एक्चुअली होता क्या है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट, सबसे बड़ा विश्वास तो ये है, मतलब लोग यही मानते हैं, दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि जहाँ तक हमारी नज़र जाए वहाँ तक जो धूल हमें फैली हुई दिखाई देती है, कोई बारिश नहीं होती है, कोई पेड़ पौधे नहीं उगे होते, उसे डेजर्ट कहते हैं। आपका ऐसा मानना है, आपके हिसाब से ये सूखा होता होगा, हॉट गर्म वाटरलेस बिना पानी का एंड विदाउट शेल्टर, मतलब जहाँ रहने की भी कोई जगह ना हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप जैसा सोचते हैं डेजर्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, वो लोग जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, जो डेजर्ट के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि डेजर्ट कितना ब्यूटीफुल प्लेस होता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, ये ऐसे लोगों का घर है जो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग एनिमल्स प्लांट्स, सब कुछ आपको डिफरेंट वैरायटीज़ में देखने को मिलेगा। दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, ये वो चीज़ें हैं, ये वो लोग जानवर या पेड़ पौधे हैं जिन्होंने अपनी इन सूखी और गर्म कंडीशंस में रहना सीख लिया है, डेजर्ट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, ये बात सच है कि जो ज़मीन होती है ज़रूरी नहीं कि हमेशा उस पर ग्रास प्लांट्स ट्रीज ये सब देखने को मिले, जैसा कि आपके आसपास आप देख सकते हो। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि यहाँ पर रेगिस्तान में कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, जो रेगिस्तान के फ्लावर्स होते हैं वो खिल उठते हैं, एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग, जो नज़ारा होता है वो इतना अच्छा होता है देखने में जैसे आप किसी गार्डन में पहुंच गए हों। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, एक डेजर्ट हमेशा ही एक रेतीला इलाका नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, आपको लगता है कि जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वहाँ पर सिर्फ सूखी रेत मिलती होगी, बंजर जमीन होगी। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें भी पहाड़ और पहाड़ियाँ हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओसिस, इसके अंदर एक छोटा सा द्वीप भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन रेगिस्तान के बीचों बीच, अभी हमने पढ़ा था ना, जहाँ पानी भी मिले, जहाँ पर आपको पेड़ पौधे भी थोड़े बहुत दिखाई दे जाएँ, उसे ओसिस कहते हैं। एन ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड, एक ओसिस एक्चुअली एक हरे रंग के आइलैंड की तरीके से होता है, जो रेगिस्तान के बीचों बीच होता है। वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर, जहाँ पर जो झरना होता है, या सपोज पानी का अगर वहाँ तालाब है या कुआं है, उनसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उगते हैं, मतलब उन्हें एक बेटर चांस मिलता है ग्रो करने के लिए। अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार एंड कोल्ड लाइक लद्दाख, मैंने अभी बताया जैसे कि डेजर्ट आपने हॉट तो पढ़ा ही होगा, इतना हॉट हो सकता है जैसे थार होता है, या फिर इतना कोल्ड हो सकता है जैसे लद्दाख होता है। बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, लेकिन अगर बात करें कि अगर किसी जगह पर थोड़ी बहुत वेजिटेशन देखने को मिले या बिल्कुल भी ना मिले, तो लोग उस जगह को डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में सिर्फ सूखी रेत होती है, ना पानी होता है, ना ही पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलवेज टोटली विदाउट वाटर, हाँ आपकी बात भी मानी जाती है कि कुछ रेगिस्तान सिर्फ बिना पानी के ही होते हैं। इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर,
स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं बहती हैं जो बड़े बड़े रेत इकट्ठे कर देती हैं, मतलब रेत के ढेर बना देती हैं जब वो उड़ती हैं तो, एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, और उन रेतों को उड़ाकर वो रेत के टीले तैयार कर देती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हवा बहती है वहाँ। ये जो रेत के टीले होते हैं इन्हें इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहते हैं, और हिंदी में तो आपको पता चल ही गया कि रेत के टीले कहते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव्ड एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और ये रेत के टीले जब जब हवा चलती है तब तब ये धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ पहुँचते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो इन सूखी रेत के ऊपर रह सकते हैं, वहाँ पर अपना जीवन यापन, मतलब अपना जीवन बिता सकते हैं। आई थिंक आज के लिए आपका ये सेशन बहुत है, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।